नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक ऑनलाइन ग्रुप पे। मैं आशुतोष उपाध्याय आपका भाई, आपका मित्र, आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। मैं आज आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं क्योंकि अभी हो क्या रहा है हमारे समाज में, सब लोग हमको ये बता रहे हैं कि कोरोना है, इससे कैसे बचना कैसे बचना, लेकिन हमें कोई ये नहीं बता रहा है कि हमें इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है। मित्रों, आज अगले 5-7 मिनट में आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन बातों को जानने से आप अपने समय को, अपने टाइम को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। दो ऑप्शन हमारे सामने, एकदम मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान सुनिएगा, दो ऑप्शन आपके सामने है। एक तो आप ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप अगर इसे अवसर मान रहे हैं तो ठीक है, आप मन से पढ़ाई करिए, आप कुछ क्रिएटिव चीजें सीखेंगे, अभी आपको मैं बताऊंगा अभी कि कौन कौन सी क्रिएटिव चीजें आप सीख सकते हैं। या तो अगर आप समस्या मान रहे तो ठीक है, पूरे दिन आप अपने आप को ब्लेम करते रहिए, चैनल को देखते रहिए, दिन भर पूरे दिन मीडिया को देखते रहिए, न्यूज देखते रहिए, घर में रह करके भी आप छुट्टी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ये हमें नहीं समझ, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें बार बार फोन कर रहे हैं, कई बार कमेंट कर रहे हैं, सर हम लोग क्या करें क्या करें, बोर हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बात आज कान खोल के सुन लीजिए, एक बात आज कान खोल सुन लीजिए, अगर इस टाइम अगर आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे जिंदगी में आपको ऐसा टाइम दोबारा नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ऐसा टाइम आपको नहीं मिलेगा। इसको आप एज ए अवसर लीजिए, आपके पास मौका है, आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे अवसर ले रहे हैं कि आप इसे समस्या मान करके पूरे दिन पूरे टाइम अपने आप को ब्लेम करते रह रहे हैं। और अगर आप इसे अवसर मानते हैं तो आप बहुत सारे काम ऐसे क्रिएटिव काम इसमें कर सकते हैं। हाँ, आप अवसर अगर मान रहे हैं तो क्रिएटिव काम बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, इस टाइम कुछ पेंटिंग सीख सकते हैं, कुछ आप गेम्स पे काम कर सकते हैं, कुछ इंडोर गेम्स सीख सकते हैं, जिन काम को बहुत दिनों से करने का आपका मौका नहीं मिल पा रहा था, आप बहुत दिनों से सोच रहे थे करने के लिए। ऐसी बहुत सी हॉबीज आपके पास है, हमारे पास है, जिन हॉबीज को लेकर के हमेशा हम परेशान रहते हैं कि इसमें हम काम नहीं कर पा रहे। तो मित्रों, आज वो मौका आपके पास आया है, आज वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि जिसमें आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं, कुछ अपने हॉबीज पे काम कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको घर बैठे अपने आप को टाइम देना है। टाइम आपका है, जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है कि आप अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आप क्रिएटिव काम करना चाहते हैं तो आप कुछ घर में काम कर लिए, कुछ साफ सफाई का काम सीख लिए, कुछ किचन में कुछ खाने बनाने का काम सीख सकते हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, जो भी काम आप करना चाहते हो, कुछ टेक्निकल चीज सीख लीजिए, वीडियो एडिटिंग सीख लीजिए, कुछ क्रिएटिव काम सीख लीजिए। पूरे दिन बैठ के ब्लेम कर रहे हैं क्या करें, न्यूज देखना ये करना, इससे क्या फर्क पड़ता है। और आप, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, फिर से दोबारा कह रहा हूं कि टाइम का सदुपयोग करिए, टाइम दोबारा नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात, एक बात सुन लीजिए, अगर आप टाइम को नष्ट करेंगे, एकदम ध्यान से मेरी बात समझ लीजिए, मैं आपसे, मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं आपसे कोई यहां पे अपना बैर दिखाने नहीं आया हूं, सीधे टू द पॉइंट बात करूंगा कि अगर आप टाइम को बर्बाद करेंगे, एकदम ध्यान सुन लीजिए, तो मैं एकदम 100% गारंटी से कहता हूं कि समय आपको बर्बाद कर देगा। आपको हो सकता है मेरी बातें अभी और लग रही है, लेकिन ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करिए। मैं खुद भी कर रहा हूं, हम लोग भी अपने घर पे हैं, अपने रूम पे हैं, चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, और हम लोग भी कुछ हम लोग खुद भी कुछ क्रिएटिव काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी, आप भी कुछ क्रिएटिव करिए। पूरे दिन बैठे रहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से ब्लेम करते रहिए दूसरों को। आप कुछ इंग्लिश सीख सकते हैं, हालांकि मैं खुद ही लॉन्च करने वाला हूं, मैं आपको अगले 20-21 दिनों के अंदर गारंटी देता हूं 100% पूरा आपको मैं स्पोकन इंग्लिश का कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा अपने इसी चैनल पे, यूनिक ऑनलाइन ग्रुप पे, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बार बार लोग कह रहे हैं सर इंग्लिश के लिए प्रॉब्लम, तो ठीक कोई बात नहीं, मैं इस गारंटी को लेता हूं। और साथ में रत्नाकर सर भी आप कुछ, आपको ऐसी कुछ टेक्निकल चीजें बताएंगे जो चीजें आपको इंटरेस्ट क्रिएट कर सकती है। कुछ आपको हो सकता हो कि बिजनेस रिलेटेड हो, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड हो, कुछ टेक्निकल चीजें हो जो आपके डेली लाइफ में यूजफुल है। तो मित्रों, इसी बात को हम कहने के लिए आपके सामने आ जाए थे। और मैं बार बार अपने आप को कोस रहा था, पिछले 3-4 दिनों से मैं लगातार सुन रहा हूं, सब लोग यही कह रहे हैं कि सर बोर हो रहे हैं, मुझे घर जाना, ये करना, क्या करें, रूम पे हैं, परेशान हैं, हाँ अकेले हैं, सामने ये दिक्कत हो रही है। तो कोई बात नहीं, आप समस्या है, मैं समझ रहा हूं, समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, सिर्फ आपके परिवार की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है, पूरा देश इससे पीड़ित है, पूरा देश इससे पीड़ित है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ब्लेम करते रहिए करते रहिए। अगर आप इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो प्लीज 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 आप अपने आप को किसी ऐसे जगह व्यस्त करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो कुछ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, जो कुछ आप अपने पढ़ाई से हटके करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि इस समय आपका पढ़ने में मन कम लग रहा है, तो कोई बात नहीं, और कुछ क्रिएटिव काम करिए ना, कुछ अपनी हॉबीज पे काम कर लीजिए, कुछ अपने इंटरेस्ट पे काम कर लीजिए। घर पे है फैमिली, कुछ उनसे बातचीत कुछ सीखिए ना, पर्सनैलिटी पे कुछ काम करिए, कुछ घर के रहन सहन पे सीखिए, कौन काम करेगा। सब लोग आपको ये बता रहे कैसे बचाव करना, कैसे बचाव करना, क्या करें क्या करें, कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि इस मौका अवसर का लाभ कैसे उठाए। सब लोग यही सोच रहे हैं कि सर हमें ये प्रिवेंट करना, ऐसे करना वैसे करना। आप इस अवसर का लाभ तो उठाइए साहब, इस मौका, इसको आप मौका के रूप में देखिए ना, देखिए क्यों आप एक समस्या के रूप में ही देख रहे हैं। क्या कर सकते हैं आप, परेशान होने के अलावा, ब्लेम होने करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। आप इतना कर सकते हैं कि आप अपने घर में रहिए, अपने परिवार को सांत्वना दीजिए, अपने परिवार को बाहर मत निकलने दीजिए, अपने भाई बहन माता पिता की सुरक्षा कर लीजिए, रक्षा करिए, बस इससे अधिक आपको कुछ नहीं करना है।
राजनीति करने की जरूरत नहीं है कि वीडियो अनापशना वीडियो बना करके पोस्ट करना इधर उधर, ये सब चीजें क्या फर्क पड़ता है। कुछ क्रिएटिव काम कर लीजिए, कुछ इंटरेस्टिंग काम कर लीजिए, जिससे आपका भला हो, आपके परिवार का भला हो, समाज का भला हो, आपके देश का भला हो। और मैं जो आपसे कह रहा हूं, फिर से मैं एक बार कह रहा हूं कि नवरात्रि चल रहा है, माँ दुर्गा आप सब लोगों के साथ है, आप सब लोगों का न्यू ईयर, हमारा न्यू ईयर, हिंदू धर्म का न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, हम सब लोग उसको अच्छा सेलिब्रेट करेंगे, घर में है खुशियां, लेकिन कुछ क्रिएटिव करिए। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा इस बात के लिए कि आप कुछ क्रिएटिव करिए। क्या करेंगे बैठ के हम लोग इस पे काम करेंगे। मैं आपको सिर्फ और एक नई ट्रेंडिंग में एक मैं काम करने स्टार्ट कर रहा हूं, मैं आपको स्पोकन इंग्लिश पे काम करूंगा, हमारी टीम काम करेगी, हम सब लोग कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, हमसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं कॉन्टेक्ट में हैं, तो आप भी अब किस फॉर्म में आप हेल्प चाहते हैं, आपको काउंसलिंग की नीड, आपको किसी प्रकार के वीडियो की नीड, आप बताइए ना, हम उस पर काम करेंगे। मेरी बात समझ में आई? बहुत बहुत धन्यवाद।